हमने कल डिस्कस किया था आइसोमेरिक प्रोसेस के बारे में कि आइसोमेरिक प्रोसेस लाइन बनता है, सॉरी इसका लीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि लीनियर का मकसद है वो रिलेशन जिसमें एक चीज जितनी बढ़े दूसरी चीज उतनी बढ़े, यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ता, तो ये लीनियर रिलेशन नहीं है, ये भी लीनियर रिलेशन नहीं है, और ये जो होता है ये क्या होता है, लीनियर रिलेशन, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके लिए आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला हर उस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशंस होते हैं, और इसके लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है जीरो। आइसोबेरिक प्रोसेस का जो ये गामा होता है, गामा को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है जीरो। आपको पता है कि अगर हम इस तरह से जीरो करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के अंदर प्रेशर जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला रिलेशन है, ये हर उस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम की चेंजेस के साथ हम डील करते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर आप ये जनरल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर ये जो गामा होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहते हैं, और ये जो बॉयलर्स लॉ के लिए होता है ये बॉयलर्स लॉ के लिए होता है वन इज इक्वल, इसलिए ये इक्वेशन जो होती है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाती है, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन ग्राफ्स को थोड़ा माइंड में रखिएगा कि ये ग्राफ जो होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का किस तरह से बनता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का कैसे बनता है, या प्रेशर और टेम्परेचर का कैसे बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक आज होगा उसके अंदर, पहले हम पढ़ते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस। देखिए आइसो थर्मल प्रोसेस बेटा, आइसो थर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपको पता है बेटा कि ऐसा प्रोसेस प्रोसेस इन विच टेम्परेचर प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट बेटा, ऐसा प्रोसेस जिस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम थर्मल प्रोसेस। एक चीज इस्तेमाल होती है बेटा हॉट रिजर्वायर या हीट रिजर्वायर। ये हीट रिजर्वायर क्या होता है, देखिए बेटा हीट रिजर्वायर का मतलब बॉडी हैविंग इनफाइनाइट बॉडी हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी विच कैन एब्जॉर्ब और रिलीज हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी इनफिनाइट हो, हीट कैपेसिटी इनफिनाइट का मकसद है जब उसको हम हीट देंगे
तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन उसका अपना टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। और अगर उससे हीट हम लेंगे तो वो हीट देगी, लेकिन उसका अपना टेम्परेचर फॉल नहीं करता, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी जो होती है वो इनफिनाइट होती है। इनफिनाइट का मकसद है जितनी हीट हम देंगे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले लेगी बॉडी, और जितनी हीट उससे लेंगे उतनी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें वापस दे देगी। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं हीट रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर, एच आर जिसको कहते हैं, और उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफिनाइट हम कंसीडर करते हैं। अब सपोज हमारे पास इस तरह से एक हम प्रोसेस करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए सपोज करें हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है हीट रिजर्वायर से, या कह लें कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसको हम कहते हैं कि ये हीट रिजर्वायर है, एच आर है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से कहते हैं कि इसका प्रेशर पी वन है, वी वन है और टेम्परेचर टी वन है, ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका प्रेशर पी वन है, वॉल्यूम वी वन है और टेम्परेचर टी वन है। आप इसका प्रेशर यहाँ पे इस तरह से बना दें कि ये हमारे पास इसका जो है वो प्रेशर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करें कि इसका प्रेशर हम कम करते हैं, अगर प्रेशर कम करेंगे तो ये गैस जो होगी वो एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड होने से इसका अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल करेगा, और यहाँ पे हीट रिजर्वायर जो होगा वो हीट फ्लो करवाएगा, और हीट फ्लो करने से इसका टेम्परेचर वापस क्या हो जाएगा, मेंटेन होगा, ये एक्सपेंड करता जाएगा, इसका अंदर टेम्परेचर फॉल करने की कोशिश करेगा, तो हीट रिजर्वायर क्या करेगा, बाहर से हीट प्रोवाइड करेगा और अंदर का टेम्परेचर फॉल करने नहीं देगा, ठीक है। तो हीट रिजर्वायर का एक्सपेंशन के अंदर रोल क्या होता है कि जब गैस एक्सपेंड करती है, जब सिस्टम एक्सपेंड करता है तो उसका अंदर टेम्परेचर जो होता है वो फॉल करने नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर हमने टेम्परेचर जो रखना होता है वो होता है वो हमने कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हीट रिजर्वायर की हेल्प से हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये जो प्रोसेस हो ये स्लोली हो, क्योंकि बेस से जो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हीट रिजर्वायर से हीट फ्लो करेगी वो थ्रो बेस करेगी, और बेस से जो हीट फ्लो करेगी वो थ्रू कंडक्शन करेगी, और आपको पता है जो कंडक्शन होती है वो स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, और कंडक्शन के थ्रू जो हीट होती है ट्रांसफर वो स्लोली हीट ट्रांसफर होती है, इसलिए ये प्रोसेस जो होता है वो वेरी स्लोली करना है, ताकि स्लोली स्लोली गैस एक्सपेंड करे और टेम्परेचर अगर फॉल करने की भी कोशिश करे तो भी हीट रिजर्वायर उसको कंटिन्यूअसली टेन करता है। अब इसी तरह से अगर हम इसकी करते हैं कंप्रेशन, इसके अंदर दोनों होती है कि सपोज करें अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करें और ये सिस्टम चला जाता है V2 और टेम्परेचर T1 पे, अगर इसी तरह से हम इसकी करें कंप्रेशन, अगर हम इस तरह से कंप्रेशन करते हैं तो हम इसको एक ऐसी बॉडी पे रखते हैं जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। जब ये हॉट रिजर्वायर हीट देता है तो एच आर बनता है, जब ये हीट लेता है तो क्या बनता है, सी आर बनता है, ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर बनता है, क्योंकि जब ये हीट देता है तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये दे रहा है, इसका अपना टेम्परेचर फॉल नहीं करता, और जब ये हीट लेगा तो ये कोल्ड रिजर्वायर कहलाएगा, क्योंकि ये हीट ले रहा है और इसका टेम्परेचर अपना बढ़ेगा नहीं। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ऐसा ही है, अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर को कुछ हीट दे देते हैं तो
उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगर उससे कुछ ले भी लेते हैं तो उसका टेम्परेचर भी कम नहीं होता। तो प्रैक्टिकली आप कहोगे कि ये हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ये बिहेव करता है लाइक हीट रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर। ये हमसे हीट ले भी लेता है और हम इसको इससे हीट ले भी लेते हैं, लेकिन इसके अपने टेम्परेचर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें हीट देता है या लेता है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब ये इसके अंदर कंप्रेशन होती है, जब इसके अंदर इस तरह से कंप्रेशन होती है, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, तो जब प्रेशर बढ़ता है और कंप्रेशन होती है P2 V2 T1, तो इसमें से हीट बाहर आती है, तो ये हीट को वापस लेता है। और नतीजा ये होता है कि अगर ये कंप्रेशन करनी है तो भी स्लोली करनी है, क्योंकि अगर इसको क्विकली हमने कंप्रेस कर दिया, अगर क्विकली कंप्रेस करेंगे तो हम जो वर्क करेंगे वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हम स्लोली स्लोली करेंगे तो ये जो हमारा वर्क होगा ये इंटरनल एनर्जी से होता हुआ हीट की सूरत में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब कंप्रेशन होती है तो हमारा जो वर्क होता है वो हीट की सूरत में बाहर आता है, और जब एक्सपेंशन होती है तो जो हीट होती है वो वर्क की सूरत में बाहर होती है। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वो दोनों काम करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, वर्क को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, हीट के अंदर दोनों काम करता है। अब अगर इसको ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करें तो एक्सपेंशन का ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा। अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाए, देखिए ये प्रेशर है वॉल्यूम है। अब इसके अंदर देखें पहले वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है। तो आप पढ़ोगे कि ये हमारे पास वॉल्यूम V1 है और ये प्रेशर P1 है। अब अगर हम बनाएंगे तो इसकी इनिशियल स्टेट होगी P1 V1 और T1। उसके बाद प्रेशर P2 जो होता है वो कम होता है, जबकि वॉल्यूम V2 जो होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसकी जो सेकंड पोजीशन होगी वो P2 V2 T1 होगी। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इसका एरो नीचे की तरफ बनेगा। और ये ग्राफ जो होता है ये पैराबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व आप कहते हैं इसको। ये जो इस तरह का ग्राफ होता है ये पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है। ये कर्व्ड ग्राफ है लाइक अ बॉयल्स लॉ, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर बॉयल्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम की आपस में हम ताल्लुक देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो क्या बन जाता है, वो बॉयल्स लॉ बन जाता है। अब इसके नीचे ये जो एरिया होती है, इसके नीचे ये जो एरिया होती है ना, ये एरिया जो बन जाती है ये बन जाती है वर्क के बराबर। ये जो एरिया अंडर कर्व होती है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एरिया वर्क के बराबर होती है। इस सिस्टम ने कितना वर्क किया है ये हमें मिलता है यहां से बेटा। ये जो एरिया होती है ना, ये जो हमारे पास बेटा एरिया होती है, ये एरिया इज इक्वल टू वर्क। अब इसकी एरिया आप कैलकुलेट कैसे करोगे, देखिए इसकी एरिया आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ इनटू विड्थ से कर सकते हैं, जैसे आइसोबैरिक के अंदर करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। इसको नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहां से इसकी लेंथ अलग है और डिफरेंट जगहों पे इसकी लेंथ क्या होती है डिफरेंट। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल प्रिंसिपल के ऊपर। इस तरह से हम पूरी एरिया को स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर तकसीम करते हैं और हर स्ट्रिप की एरिया को अलग कैलकुलेट करते हैं और फिर सब एरिया को आपस में सम कर देते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होगा, ये सिंपली आपको माइंड में रखना है कि इसकी एरिया को आप डायरेक्ट इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ लेंथ इनटू
विड्थ फार्मूला, क्योंकि अगर लेंथ और विड्थ के फार्मूला वहां पे लगता है जहां पे एक जैसी लेंथ और विड्थ हो, लेकिन यहाँ पे एक साइड से लेंथ अलग है और दूसरी साइड से लेंथ क्या होती है, अलग होती है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको आपने स्ट्रिप्स के अंदर तकसीम करना होता है, जैसे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसका हम ग्राफ करें, बिटवीन जो है वो कंप्रेशन का बेटा, अगर कंप्रेशन का ग्राफ हम करेंगे बेटा तो इसका ये बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। ग्राफ वैसे ही करंट लाइन बनेगा, लेकिन एरो जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे ये ए है और ये पॉइंट कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी, और इसके अंदर भी ये एरिया जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क के। अब अगर इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस सिस्टम के लिए क्या कहता है, देखिए बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हीट दोगे तो वो दो कामों में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, इसलिए टोटल जो हीट होती है वो किसमें चली जाती है, वर्क के अंदर चली जाती है। ये आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई आप ऐसा प्रोसेस करोगे जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे और अगर आइसोथर्मली गैस को एक्सपेंड करोगे या आइसोथर्मली गैस को कंप्रेस करोगे तो जितनी भी आपके पास गिवन हीट होगी वो टोटल जो होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन इसमें कोई भी हिस्सा जो होगा वो इंटरनल एनर्जी की चेंज के अंदर नहीं जाएगा, होल गिवन हीट जो होगी वो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही ड्रॉबैक भी कहा जाता है, इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक कहते हैं, इसी के ऊपर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एतराज है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये कंडीशन बताता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि आप ये कहें कि इसके अंदर जो है वो टोटल हीट जो होती है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है। अब अगर इसके ऊपर आप ये प्रोसेस इस्तेमाल करें बेटा, ये भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, अगर इसके ऊपर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका जो बेटा गामा होता है ये वन होता है, इसके लिए हम जो गामा लेते हैं वो वन लेते हैं, और अगर आप पी वी पावर वन करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा पी वी पावर वन इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो आप कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह से आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर वर्क का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो पी डेल्टा वी नहीं लगता, इसके अंदर वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, क्योंकि पी डेल्टा वी जो वर्क का फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, आइसोबैरिक के लिए होता है। इसके भी कुछ ग्राफ आप देख लें कि इसके ग्राफ जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखिए ये हमारे पास इसके ग्राफ्स होते हैं, अगर आप इसको देखते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है पी वी इक्वल टू आप एन आर टी वी लगा सकते हैं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्राफ किसके दरमियान होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होता है, इसका जो ये ग्राफ होता है इसको हम कहते हैं पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व, ज्यादातर हम इसको हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला के अंदर दो कर्व होते हैं और पैराबोला के अंदर एक कर्व होता है, हाइपरबोला इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो होती है वो एक्सटेंशन भी होती है और
कंप्रेशन भी होती है, एक एक्सटेंशन का कर्व होता है और दूसरा किसका होता है, कंप्रेशन का कर्व होता है, इसलिए हम इसको हाइपरबोलिक कर्व बताते हैं। और प्रेशर एट एनी टाइम, ये उसकी प्रेशर की इक्वेशन है, टेम्परेचर किसी भी जगह पे टी कांस्टेंट रहता है, टी नॉट रहता है, और प्रेशर जो होता है वो मल्टी वैल्यूड होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है, प्रेशर की वैल्यू चेंज होती रहती है एक्सपेंशन के अंदर या कंप्रेशन के अंदर। अब अगर आप टेम्परेचर के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान आप ग्राफ बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता भी है और कम भी होता है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बनाए तो आपको पता है कि प्रेशर तो कम ज्यादा होता है लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसकी भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके अंदर वर्क आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये वर्क के फॉर्मूले, अगर आप वर्क जो होता है ये होता है 2 पॉइंट, ये बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी वैल्यू है, यहाँ तक इतना है नहीं, मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है ताकि आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आप पी डेल्टा भी इस्तेमाल नहीं करते, और इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आपके लिए कैलकुलेशन भी नहीं, क्योंकि ये फार्मूला लॉग पे जाएगा और लॉग की मुख्तलिफ वैल्यूज जो होती है उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सिंपली मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये चीज माइंड में रहे कि इसके जो वर्क के फार्मूले वो लॉग में जाते, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, ये एक्सपोनेंशियल इन नेचर, हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ये लीनियर इन नेचर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। जब एक्सपोनेंशियल इन नेचर कोई चीज होती है ना तो हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रेशर के सेंस में भी फार्मूले है और वॉल्यूम के सेंस में भी फार्मूले है, तो आप कह सकते हैं कि वर्क के लिए आप वॉल्यूम के सेंस में ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेशर के सेंस में ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल डिस्क्रिप्शन थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहा जाता है। अब जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था सिंपली आइसोबैरिक प्रोसेस किसको, फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम इसको किस सेंस में देखते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारी चीजें बताता है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होंगी इसलिए इसको कल डिस्कस करते हैं, टाइम कम है। कल किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बॉयज क्लास में क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला था, तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन का सेंस क्या था या उस क्वेश्चन का मकसद क्या था। देखिए कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है और उसकी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, सपोज करें ये इस तरह से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन अच्छा था और एक उसके अंदर एक लॉजिक भी था, तो इसलिए ये इसको ध्यान में रखिएगा। सपोज करें ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर हमने ये तो पढ़ा है कि अगर इसको हम हीट दे और इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो वर्क जीरो होगा, ठीक है, ये आप समझते हैं, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सिंगल प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है, एक सिलेंडर लिया, पिस्टन लिया, सिलेंडर है, उसको हीट दी, लेकिन अगर हम करते हैं कोई, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस करते हैं बेटा, अगर हम कोई भी साइक्लिक प्रोसेस करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस सिंगल प्रोसेस नहीं होता, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कोई चीज मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है, जैसे आपने पढ़ा है कि ये जो कार्नोट इंजन होता है इसके अंदर भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होती है, एक चार जगहों से गुजर के ये वापस पहुंचता है, ठीक है।
तो इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी P1 V1 T1 इज इक्वल टू फाइनल, ये बराबर होते हैं। और जब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होता है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, लेकिन इसमें वर्क नहीं होता, ये भी वर्क जीरो नहीं होता, ये हमने कल डिस्कस किया था। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी इनिशियल और फाइनल देखें तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है, जीरो। मतलब ये कि अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क जीरो नहीं। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं, चेंज जीरो होती है तो वर्क जीरो नहीं होता। अब बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें चेंज इन वॉल्यूम तो हो लेकिन वर्क जीरो? ठीक है, ये जो होता है, ये होता है हमारे पास फ्री एक्सपेंशन के अंदर कि जब कोई भी गैस जो होती है वो फ्रीली एक्सपेंड करती है। फ्रीली एक्सपेंशन का मकसद होता है कि जब आप किसी भी गैस को आप ले जाएं ऊपर स्पेस के अंदर और उसको सिलेंडर है उसको स्पेस के अंदर ले जाएं और उसको खोल दें वहां पे, तो गैस क्या हो जाएगी, वो गैस जो होगी वो एक्सपेंड तो करेगी लेकिन वो गैस के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, उसके अंदर प्रेशर का जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर प्रेशर जीरो होगा ना और डेल्टा भी तो होगा, चेंज इन वॉल्यूम तो होगी, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो होगा तो पी डेल्टा वी के फॉर्मूले से पी जीरो होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो। और ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से भी क्या होगा, इसके हिसाब से भी वर्क क्या होगा, क्योंकि पी तो है ही नहीं तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती है, इसको माइंड में रखिए।